हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं 3 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस को बनाकर तैयार करूँगी। चलिए आइए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्रेस के घेर बनाने के लिए लंबी पट्टी को कट किया है और पट्टी का मेजरमेंट बता देती हूँ। 4.5 इंच की चौड़ाई लेकर और लेंथ देखेंगे तो 32 इंच की लेंथ लेकर मैं घेर बनाना शुरू करूँगी। सेम साइज़ में अस्तर के पीस को यानी लाइनिंग के पीस को कट करूँगी। ये मैंने 2 पीस छोटे छोटे लिए हैं, इस पर मैं जोड़ लगाकर घेर बनाऊँगी। तो इसको मैं ऐसे नीचे रखूँगी और इस पट्टी को मैं ऐसे ऊपर रखूँगी, बैक साइड से ऊपर रखने के बाद यहाँ से स्टिच करूँगी और फिर ऐसे स्टिच करूँगी। ऐसे स्टिच करने के बाद इस साइड से भी स्टिच करूँगी, यानी 3 साइड से स्टिच करने के बाद इसको सीधा करूँगी। तो पहले मैं 3 साइड से स्टिच कर लेती हूँ। थ्री साइड से स्टिच करने के बाद इसको मैं सीधा करूँगी, इस तरीके से सीधा करूँगी और यहाँ पर और इस साइड सिलाई लगाऊँगी। तीनों साइड से स्टिच करने के बाद ये वाली लेस ली है मैंने और इसको मैं कैसे लगाऊंगी, ऐसे पहले आप फोल्ड करूंगी और 1/2 इंच मैं इसके ऊपर रखूंगी फैब्रिक के ऊपर और 1/2 इंच बाहर निकालूंगी, क्योंकि ये लेस 1 इंच की है तो नीचे फ्रिल बनी हुई है। 1/2 इंच नीचे रखूँगी और 1/2 इंच ऊपर रखूँगी। तो इस तरीके से लैस को मैं ऐसे लगा लेती हूँ। एक सिलाई मैं ऊपर दूंगी और एक सिलाई मैं नीचे दूंगी, तो 2 सिलाई के साथ लैस को भी अटैच कर लेते हैं। पट्टी पर लैस लगाने के बाद भी ये पट्टी कंप्लीट है। अब इसमें मैं बल भरूंगी। बल को कैसे भरूंगी, बीच में फर्स्ट बल में 1 इंच का गैप रहेगा और ऐसे बल रखूंगी और सेकंड बल के बीच में 1.5 इंच का गैप रहेगा और ऐसे बल के ऊपर रखूंगी, यहाँ पे 2 पॉइंट का गैप रहेगा। फिर मैं थर्ड बल उठाऊँगी, 1.5 इंच का गैप रहेगा बीच में और ऐसे रखूँगी। और यहाँ पर मैंने पहले रफली सिलाई लगाई है क्योंकि आगे पीछे नहीं होता, और अगर आप 1.5 इंच का गैप नहीं लगा सकते, गैप से नहीं बल रख सकते, तो यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद बल डाल सकते हो। तो मैं आगे 4th बल को उठाऊँगी और ऐसे रखूँगी। तो इस तरीके से मैं बल को भी डाल लेती हूँ। घेर में बल डालने के बाद घेर कंप्लीट है। अभी इस पर मैं चोली को अटैच करूँगी। तो चोली बनाने के लिए कैसे करेंगे,
एक पट्टी को कट किया है और इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। 10 इंच की लेंथ लेने के बाद 2.5 इंच की चौड़ाई लेकर पट्टी को कट किया और इसको कैसे करेंगे, ऐसे रखेंगे इसको, इस साइड से ऐसे आप फोल्ड करेंगे और इस साइड से भी आप फोल्ड करेंगे और इनको दोनों को ऐसे आपस में मिलाएंगे और स्टिच करेंगे। तो इस पट्टी को मैं ऐसे स्टिच कर लेती हूँ। चोले की पट्टी को स्टिच करने के बाद इसको आप फोल्ड करूँगी और बीच से कट करूँगी। कट करने के बाद इस पर ऐसे रखूँगी और आधा इंच पर यहाँ से स्टिच करूँगी और इसके बाद इसको ऐसे आप फोल्ड करूँगी और यहाँ से 1 इंच पर यहाँ से स्टिच करूँगी और 1 इंच पर यहाँ से स्टिच करूँगी। चोली को स्टिच करने के बाद इसको सीधा करूँगी। और सीधा करने के बाद यहाँ पर मैं निशान लगाऊँगी, ऐसे आप फोल्ड करूँगी और आप फोल्ड करने के बाद निशान लगाऊँगी। निशान लगाने के बाद चोली को ऐसे बीच से रखूँगी, ऐसे इसको ऐसे लेंगे ऊपर की साइड से, निशान वाली जगह पर मैं ऐसे रखूँगी और इसको इस साइड से स्टिच करूँगी पकड़ने के बाद और इस साइड से स्टिच करूँगी। और इसको कैसे करेंगे, ऐसे आपस में ऐसे बलों को इकट्ठा करेंगे और ऐसे स्टिच करेंगे तो आसानी से स्टिच भी हो जाएगी। जो बड़ा छोटा रहेगा आपका कपड़ा वो भी इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो ऐसे स्टिच कर लेती हूँ। चोली अटैच करने के बाद कान्हा जी की ड्रेस कंप्लीट है। आप बताना ड्रेस कैसी बनी। थैंक यू एंड राधे राधे।